विज्ञान की वजह से दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही भविष्य माना जा रहा है। इसी तकनीक की मदद से दिल्ली के पास नोएडा की एडवर्ब कंपनी तेजी से रोबोट बनाने के काम में जुटी हुई है। ये कंपनी एक साल में 1,00,000 रोबोट बनाने का काम कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे से काम के लिए और चाहे कितना भी बड़ा काम हो उनके लिए यहाँ पे रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन रोबोट्स को अलग अलग सेक्टर्स के लिए बनाया जा रहा है। ये कंपनी इंडस्ट्री की मौजूदा जरूरतों के हिसाब से रोबोट तैयार कर रही है। इनमें कुछ रोबोट तो छोटी छोटी टॉय कार की तरह दिखते हैं, लेकिन ये 40 से 500 किलो तक का वजन आसानी से उठा सकते हैं। इसे डायनोमो रोबोट का नाम दिया गया है। सब रोबोट्स जो आप देख रहे हैं वो उसी इस्तेमाल के लिए मटेरियल मूवमेंट के लिए। अभी जो रोबोट्स आप देख रहे हैं ये ऑटोनोमस मोबाइल रोबोट्स, डायनोमो इनका नाम है। तो डायनोमो जो अभी आप रोबोट देख रहे हैं वो इनका 200 केजीज का वेरिएंट है। इसके ऊपर एक अटैचमेंट लग जाता है जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज होता है। अलग अलग साइज के रोबो और हर एक की अपनी खासियत, इन्हीं में एक रेल गाइडेड रोबो भी शामिल है जिसे ट्रोवेक्ट रोबो कहा जाता है। ये एक तय दिशा में चलता है। ध्यान से देखने पर ये किसी छोटी मालगाड़ी की तरह दिखता है। अभी जो आप देख सकते हैं वो है ट्रावेक्ट रेल गाइडेड व्हीकल। बेसिकली ये सेफ्टी और एक्यूरेसी से पैलेट्स का जो मूवमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, उसके लिए यूज होता है। इसी तरह कई दूसरे रोबो इस कंपनी में तैयार किए जा रहे हैं जिनसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मजदूरों पर पड़ने वाला लोड तो कम होगा ही, साथ ही उत्पादन भी कई गुना बढ़ जाएगा। ऐसा ही एक रोबो है जिप्पी रोबोट, जो ई कॉमर्स वेयर हाउस में ऑर्डर डिस्पैच और रिटर्न हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रोबोट्स में अभी हम आपको दिखाएंगे मोबाइल रोबोट, सॉल्टेशन रोबोट्स, बिन पिकिंग रोबोट सब बनाया जाता है, और फिक्स्ड ऑटोमेशन के लिए पैलेट और कार्टन मूवमेंट के लिए शटल्स बनाई जाती है। सबसे अच्छी बात ये कि भविष्य में देश की ताकत साबित होने वाले ये रोबो स्वदेशी हैं। इन्हें मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया गया है जिनको अमेरिका और यूरोप तक निर्यात किया जाएगा। अनामिका गौड़, नोएडा, भारत तक।